वेलकम बैक इन ओल्ड बुक अकैड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम्स। इन दिस किंगडम्स लास्ट फाइलम फाइलम कॉर्डेटा। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी कवर ऑल फाइलम्स, बट इट इज अ लास्ट फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फंडामेंटल ऑफ प्रिमिटिव करेक्टर्स। ओके, फाइलम कॉर्डेटा। तो देयर हैव फोर कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर फाउंड इन देयर एनिमल्स। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज अ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज दैट स्पाइनल कॉर्ड, लाइक स्पाइनल कॉर्ड दे कन्वर्ट टू इन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ओके, नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ द पेयर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ओके, इसमें क्या पाया जाता है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं पेयर में। एंड लास्ट वन इज पोस्ट एनल टैल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोस्ट एनल टैल इसमें पाई जाती है। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो ये डायग्राम बनाया है बेसिकली एक ऐसा डायग्राम है जो कि ऑड कॉर्डेट जितने भी एनिमल्स हैं तो उनमें ये क्या होता है, फिट होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो क्या है आपकी, ये है रेड कलर से, जो रेड कलर के बीच में बनी हुई दिख रही है ये वाली डॉर्सल एरिया आपका ये वाला कहलाता है, जो कि आपके पीछे मेरे दिख रहा होगा बैक साइड, जिसे हम क्या कहते हैं डॉर्सल, ये आपका बेंट्रल कहलाता है। जो आपके आगे का एरिया है जैसे ये आपका स्टमक वाला, वो बेंट्रल साइड कहलाती है। तो डॉर्सल साइड पे क्या होती है, नर्व कॉर्ड होती है, और उसके जस्ट नीचे क्या नोटोकॉर्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ओके, सो अब ये जो लास्ट पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, पोस्ट एनल पार्ट कहलाता है। ओके, और ये आपका जो पोर्शन है ये एनस होता है, और ये आपको क्या हो जाता है, माउथ हो जाता है। ठीक है, माउथ हो जाता है, और ये यहां पर क्या होता है आपका, हार्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट। और ये गिल स्लिट आप देख ही रहे हैं, ये जो आपके दिख रहे हैं ये सारे क्या है, गिल स्लिट्स हैं। तो इसमें जो चार करेक्टर्स की बात की गई, ये एक मेजर करेक्टर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं होल लाइफ इन एनिमल्स में, किसी भी स्टेज में ये आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये बायलैटरली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल्स होते हैं, और टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिप्लोब्लास्टिक मैंने बताया था कि तीन लेयर होंगी, एक्टो, मीजो, एंडो। ठीक है, ये उसके बाद क्या है, सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है या ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पाया जाता है। ओके, दूसरा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। और क्या है, बेंट्रल हार्ट, बेंट्रल साइड पे मैंने बताया, बेंट्रल जो साइड है आपका, ये आपका हार्ट पाया जाता है बेंट्रल साइड पे। ओके, बेंट्रल जो साइड है उधर की साइड हार्ट पाया जाता है। और पोस्ट एनल टैल इज प्रेजेंस, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम के बारे में नॉलेज आपको हो गई होगी। और हाँ, ये करेक्टर लिखने इससे पहले आपको ये डायग्राम देना बहुत जरूरी है, अगर आप ये डायग्राम नहीं देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं अधूरा क्वेश्चन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, क्योंकि डायग्राम के बगैर आप कंप्लीट नंबर नहीं गेन कर पाएंगे। तो चलिए, ये चीज तो क्या, जनरल कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर अंडरस्टूड कर लिया है, बट नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, इसको हम समझेंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड क्या है, इंटर का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं हम लोग। तो क्या है, सब फाइलम, और फिर सब फाइलम आपका क्या है, पहला है यूरो कॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम है सेफलो कॉर्डेटा, और आपका सब फाइलम थर्ड है आपका वर्टिब्रेटा। ओके, पहला कौन सा, यूरो कॉर्डेटा, फिर सेफलो कॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। ओके, तो अब हम इसको देखेंगे। अब जो यूरो कॉर्डेटा है, यूरो कॉर्डेटा, ठीक है, और फिर उसके बाद सेफलो कॉर्डेटा, और फिर वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा है इसको क्या करा गया है, इसको डिवीजन, फिर से फर्दर डिवीजन किया गया है इसका, और इसमें दो है आपके, एक एग्नेथा जिसमें क्या है, लैक जॉ, मतलब उनमें जबड़े नहीं होते हैं, और गैनोस्टोमेटा जो है इसमें क्या है आपका, बेयर जॉ यानी जॉ के साथ पाए जाते हैं, इसमें जॉ जबड़े पाए जाएंगे इस एनिमल्स में। फर्दर डिवाइडेड सुपर क्लासेस में ये डिवाइड किया जाता है, पाइसिस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा डेट मीन इज, टेट्रा मतलब फोर और पोडा मतलब जो होते हैं पैर, तो मतलब जिनके फोर पैर होते हैं, चार पैर वाले जो एनिमल है वो इसके अंदर रखे गए टेट्रापोडा के अंदर। अब पाइसिस जो है बेयर फिंस के साथ पाए जाएंगे, और इसमें बेयर क्या होते हैं, लिम्स। ठीक है, इसमें लिम्स और इसमें फिंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पाइसिस में, आपके क्लास में दो क्लासेस आ गए, कॉन्डियोथाइसिस और फिर ऑस्टियोसाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेट्रापोडा के अंदर, ये चार आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया और फिर एबीज और मैमल्स। क्लियर,
तो ये हमारा क्लासिफिकेशन, एक ओवरव्यू था जो हमने कॉर्ड डेटा के बारे में जाना। अब इसको हम डिटेल में चलेंगे, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि हमने जो अभी पूरा क्लासिफिकेशन को एक ब्रीफ में देखा था, क्लासिफिकेशन में क्या क्या था जो हमने पूरा डिटेल में समझ लिया, लेकिन अब उसको हम अंदर जाके देखेंगे उसके करेक्टर्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ पाई जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोकॉर्ड डेटा। इन यूरोकॉर्ड डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टैग। क्या कह रहे हैं इसमें, आपको ये बात ध्यान रखनी है। कह रहे हैं यूरोकॉर्ड डेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वल टैल में पाई जाएगी, यानी जो जो एनिमल का जो लार्वा है, लार्वा की टैल में पाई जाएगी नोटोकॉर्ड। दैट इज क्लियर। ओके, फिर कह रहे हैं इन सेफलोकॉर्ड डेटा। अब सेफलोकॉर्ड डेटा में क्या कह रहे हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टैल एंड प्रेसाइज्ड थ्रू लाइफ। मतलब इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेफलोकॉर्ड डेटा है उसमें क्या है, ये एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब जो जो आपके नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं हेड से टैल में पाई जाएगी और क्या होगा, ये पूरी लाइफ पाई जाती है एनिमल में, क्या है पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होती है, पाई जाती है, विच इज रिप्लेस्ड। जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो पाई जाती है, बट क्या होता है, विच इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वो क्या हो जाती है, जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में इन अडल्ट। ठीक है, किसमें हो जाती है, अडल्ट में आके वो रिप्लेस हो जाती है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, नेक्स्ट है आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज अ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू डिवीजन, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा में क्या है, जिसमें जॉस क्या होंगे, वो अब्सेंट होंगे, और नेथोस्टोमेटा में जो होता है बियर जॉस, यानी जो जॉस होंगे उसके जो जबड़े होंगे वो क्या होंगे, पाए जाते हैं। दैट इज क्लियर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड, क्या कह रहा है, फर्दर डिवाइडेड इंटू टू सुपर क्लासेस। जो नेथोस्टोमेटा है वो दो फिर से सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, पाइसिस जिसमें क्या फिन्स होते हैं, और टेट्रोपोडा जिसमें क्या होते हैं, बियर लिम्स होते हैं, यानी लिम्स पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम जब बात करने वाले हैं, क्लास किसका है, ये क्लास है एग्नेथा। ठीक है, एग्नेथा जिसमें क्या है, आपके जॉस क्या है, अब्सेंट है। ओके, और क्लास है साइक्लोस्टोमेटा जिसमें सर्कुलर माउथ आपका फिश पाए जाएंगे। ठीक है, सर्कुलर माउथ वाली। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, मतलब कुछ फिशेस के ये बाहर क्या रहते हैं, पैरासाइट जो होते हैं, आपने देखे होंगे पैरासाइट, तो वो क्या होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट है, मतलब बाहर के साइड रहते हैं। दूसरी बात, दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, क्या करते हैं, ये सक करते हैं और विदाउट टू किसके, जॉस के। ठीक है, सर्कुलर माउथ होता है इनका, जरा सक करते हैं और विदाउट जॉ के। नेक्स्ट आपका है बॉडी डिवाइड स्कल्स। ठीक है, बॉडी जो होती है स्कल्स उसमें होती है। दूसरी बात, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पायरेशन। गिल स्लिट्स किस लिए पाए जाते हैं, रेस्पायरेशन करने के लिए पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्रेनियम। क्रेनियम जिसे बोलते हैं हम, स्कल के लिए बोलते हैं, हेड स्कल की बात कर रहे हैं, हेड का जो एक कपाल होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्रेनियम। एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। ठीक है, आपका कैसा है, जो आपका क्रेनियम, यानी जो मैंने बताया हेड का जो स्कल है वो कैसा है, कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है, आप ये समझें कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज जैसे आपकी ये ईयर है, ईयर का जो ये लास्ट का जो पार्ट एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे हम कैसे भी मुड़ा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। या नोज है हमारी, तो ये जो है नोज ऊपर जो हार्ड पोर्शन दिख रहा है जिसको हम हिला डुला नहीं सकते, वो है आपका बोन। बट ये जो है आपकी नोज, ये क्या है आपका, कार्टिलेज है, कार्टिलेज बोन कह सकते हैं, कार्टिलस बोनी कह सकते हैं हम, तो कार्टिलस की बनी भी होती है। तो इसमें यही बोला है कि क्रेनियम जो है उसका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या, कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस होता है। नेक्स्ट आपका है सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। कैसा होता है सर्कुलेशन, क्लोज टाइप होता है, दे आर मैराइन होते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन जो होता है क्लोज टाइप, मतलब मैंने बता दिया क्लोज कैसा होता है आपको, दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप होता है। ओके, नेक्स्ट आपका मैराइन होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं और ये मिग्रेट करते हैं।
माइग्रेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। माइग्रेट करते हैं टू फ्रेश वाटर, मतलब मैराइन से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। और क्या है उसके पास, वाटर स्विमिंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज। लेकिन जैसे ही वो क्या करते हैं, पहुंचने के बाद जब बैक करते हैं तो वहां से कुछ टाइम आने के बाद ये क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। अब लार्वा रिटर्न टू सी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लार्वा जो होता है रूपांतरण, यानी वो जब एडल्ट होता है जो अपने लार्वा स्टेज जो होती है वो पूरी करने के बाद जब वो लौटता है तो वो जीवित होता है, वो कहते हैं लार्वा रिटर्न टू सी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस का मतलब रूपांतरण करने के बाद वो मैराइन वाटर में लौट आता है। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन और आपका मैक्सिन हॉगफिश, ओके इसका डायग्राम आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका ये क्या है, पाइसिस के क्लास है, क्लास है कॉन्ड्रियोथाइसिस, और ये इसमें कार्टिलेजिनस आपकी फिश पाए जाएंगी, ठीक है। इसमें बोनी फिशेज नहीं है, कौन सी, कार्टिलेजिनस फिश है। दे आर मैराइन स्ट्रीमलाइन बॉडी होती हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, जो इनका एंडोस्केल्टन है वो कैसा है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होता है, यानी कार्टिलेजिनस होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं और आपकी स्किन होती है इनके पास, और प्लकोइड्स स्कल्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लकोइड्स स्कल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है गिल स्लिट्स, कैसे हैं, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट अपर कुलम, गिल स्लिट जो है वो सेपरेट है विदाउट अपर कुलम के, एंड दे हैव पावरफुल जॉस, इनके पास क्या है, पावरफुल जॉस पाए जाते हैं, आर प्रीडेटर्स, ठीक है। एयर ब्लैडर क्या होता है इनमें, अब्सेंट होता है, और इसी के कारण क्या करते हैं, अवॉइड सिंकिंग स्विमिंग, मतलब पानी के अंदर बहुत देर तक ये स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि एयर ब्लैडर इनके पास क्या है, अब्सेंट है। फिर है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, मतलब वो ये कि बहुत कॉन्स्टेंटली वाटर के अंदर स्विमिंग नहीं करते, ऊपर आते रहते हैं। हार्ट क्या होता है, टू चैम्बर होता है, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोइकिलो थर्मस भी बोलते हैं। ये वर्ड आपको, ये टर्म्स जो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फिर है सेक्स आर सेपरेट, मेल्स हैव पेल्विक फिन्स एंड विच वेयर्स क्लैपर्स, ओके। इंटरनल कैसा होता है, इंटरनल आपका होता है फर्टिलाइजेशंस, मैनी आर बेबीपरस होते हैं, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसमें, क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन टॉर्पिडो एंड पॉइजनस स्टिंग इन स्टिंग्स जो होता है टेरिगन्स होता है, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल देखिए स्कॉलियोडॉन, जिसे हम डॉग फिश कहते हैं, इसका भी आप डायग्राम नीचे देख रहे हैं। लास्ट पाइसिस का जो क्लास है वो कौन सा है, ऑस्टियोथाइसिस है, इसका आपका बॉनी फिशेज पाई जाती हैं, बॉनी फिशेज पाई जाती हैं, ओके। इसमें अब तक हमने पढ़ा ऊपर के उसमें कि कार्टिलेज की जो उनका एंडोस्केल्टन हुआ करता था, लेकिन इस वाले क्लास में क्या है, बॉनी फिशेज पाई जाएंगी, जो कि हार्ड होता है, एंडोस्केल्टन कैसा होगा, हार्ड होगा। तो मैराइन होते हैं ये भी, मैराइन और फ्रेश दोनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, बॉनी एंडोस्केल्टन पाया जाता है। इसमें क्या था आपका, कार्टिलेजिनस होता, और इसमें आपका क्या था, ये एंडोस्केल्टन कैसा है, बॉनी पाया गया है। फोर क्या होते हैं, फोर पेयर गिल्स पाए जाते हैं और कवर्ड बाय अपर कुलम, इसमें अपर कुलम के द्वारा कवर्ड नहीं थे गिल्स, और स्किन इज कवर्ड विद स्कल, ठीक है, स्किन जो होती है इनकी कवर्ड होती है स्कल्स के द्वारा, और एयर ब्लैडर इसमें क्या है, प्रेजेंट है। आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों क्लासेस में कि ब्लैडर क्या थे, अब्सेंट थे, इसमें क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या है, स्किन इज कवर्ड, ठीक है, ये हो गया। हार्ट इज टू चैम्बर, हार्ट इज टू चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड है ये भी, ओके। एंड सेक्स कैसा है, सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, इसमें कैसा था, इंटरनल था। ऊपर वाली जो आपका कॉन्ड्रियोथाइसिस है उसमें इंटरनल था, इसमें कैसा, एक्सटर्नल है। और ये कैसे हैं, बेबी पेरस हैं, ये कैसे हैं, बीबी पेरस हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, इसमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, मतलब कहने का ये है। इसका एग्जाम्पल है मैराइन में हिप्पोकैम्पस, और फ्रेश में हेपका है लेबियो, ठीक है, राहु जिसे बोलते हैं, इसका भी डायग्राम आप नीचे देख रहे होंगे। अब हम इसके जो हमारा रह गया आपका वर्टिब्रेटा, उसको हम देखेंगे क्लास को। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जो क्लासिफिकेशन में देखा था उसमें, अब हम डिटेल में देख रहे हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि डिटेल में इनके जो करेक्टर्स हैं उनको, ठीक है, विद डायग्राम भी हम इसको देखते रहेंगे। तो जैसा कि आप एम्फीबिया, सबसे पहला हमारा है एम्फीबिया क्या है, इसके जो करेक्टर्स हैं उसको देखते हैं। कैन लिव इन एक्वेटिक्स एंड कैन लिव्स इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल्स, ठीक है, हैबिटेट, यानी ये तो वाटर में प्लस जो आपके जमीन पर भी रह सकते हैं। टू पेयर इनके लिम्स होते हैं, ओके, मॉइस्ट स्किन होती है विदाउट स्कल, एंड रेस्पायरेशन कैसा होता है, गिल्स
या लंग्स या स्किन के द्वारा। यानी इसमें एम्फीबिया जो होते हैं, इसमें जो आपका रेस्पायरेशन है गिल्स के द्वारा भी हो सकता है और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है और स्किन के द्वारा भी हो सकता है। हार्ट कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है। हार्ट आपका जो है थ्री चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, प्लस होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये अंडज होते हैं, यानी अंडे एग देने वाले होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड दैट मीन कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो एम्फीबिया में समझ में आ गया चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो एग्जाम्पल है राना जो कि फ्रॉग है और सिलेमेंडर्स हाइला। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब नाउ हम बात करेंगे रेप्टिलिया। ओके, रेप्टिलिया इन दिस मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं। क्या बोला, मोस्टली टेरिस्ट्रियल्स होते हैं एनिमल एंड लिम्स टू पेयर्स होते हैं। ओके, लिम्स क्या हैं, टू पेयर्स होंगे इफ प्रेजेंट, अगर उसमें होंगे यानी अगर उसमें पाए गए प्रेजेंट हुए तब ये क्या होंगे आपके दो पेयर होते हैं। ओके, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन हैविंग स्कल और स्क्यूट। ठीक है, रेस्पायरेशन कैसा होता है, वो लंग्स के द्वारा होता है। इसमें कैसा होता है, स्किन लंग्स और गिल्स के द्वारा होता है, लेकिन रेप्टाइलिया में ओनली लंग्स के द्वारा। हार्ट कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड। आपको याद रखना है हार्ट का पूछ लेता है कितने चैम्बर्ड होता है रेप्टाइलिया या फिर आपका एम्फीबिया, इन दोनों में तो कौन सा है कॉमन है, थ्री इसमें होता है, थ्री यानी थ्री चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट है इसका, जैसे कि क्रोकोडाइल जो होता है आपका, क्रोकोडाइल जो है उसमें कितना है, फोर चैम्बर है। कितना, फोर चैम्बर है उसमें। इसका एग्जाम्पल के नाजा और क्रोकोडिलस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एबीज। एबीज में क्या है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स फॉर लाइक, ठीक है, फॉर फ्लाइंग। फीदर्स जो हैं, जैसे हमारे हैंड है तो उनके जो आपके जो वर्ड होते हैं उसमें फीदर्स के फ्लाइंग करने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। और फोर लिम्स जो होते हैं मॉडिफाई होते हैं इनटू विंग्स में। आपके मैंने बताया फोर लिम्स कैसे हैं, मॉडिफाई हो गए विंग्स में। स्किन इज ड्राई, स्किन कैसी होती है, ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, ठीक है, ड्राई होती है विदाउट क्या होती है, ग्लैंड्स के। और लॉन्ग बॉनी आर हॉलो एयर कैविटी, जो आपके वर्ड्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती है अंदर से खोखली होती है, हॉली होती है, उसके अंदर क्या एयर होती है। हमारे बोन्स के अंदर क्या होता है, हमारे बोन मैरो पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हिंदी में बोलेंगे तो अस्थि मज्जा बोलते हैं। रेस्पायरेशन क्या है आपका, इसमें लंग्स के द्वारा हो रहा है। हार्ट कैसा है, फोर चैम्बर्ड है। वॉर्म ब्लडेड होते हैं, कैसे होते हैं, वॉर्म ब्लडेड होते हैं और ओविपरस होते हैं। वॉर्म ब्लडेड दैट मीन दे कांट चेंज टेम्परेचर अवर बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलंबा और पैवो। ठीक, मैमल्स में आते हैं, मैमल्स आप ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग जिसमें काउंट होते हैं वो है मैमल्स। और मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्यू कैन फ्लाई, लिव्स इन वाटर। कुछ क्या होते हैं इसमें, वाटर में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। और टू पेयर्स आपके क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आप लोग में, हम लोग में आपको देखने को मिल ही रहे हैं। स्किन क्या है आपकी, हेयर पाए जाते हैं और मेमरी ग्लैंड्स होता है, मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इस प्रेजेंट टू प्रोड्यूस मिल्क, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, रेस्पायरेशन वाय लंग्स, ठीक है, रेस्पायरेशन क्या होता है, वाय लंग्स होता है और फोर चैम्बर होता है, ठीक है, और बेबी प्रस और ओविप्रस दोनों हो सकते हैं। यानी ये जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो वो बच्चे देता है, और क्या है आपका जो वेल है, आपका एग्जाम्पल भी लिखा है, जो मछली है वो क्या देती है, वो क्या देती है आपका एग, ठीक है। तो ओविप्रस और बेबीप्रस दोनों होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है प्लेटिपस, जैसे कि आपका ओवी, ये क्या है प्लेटिपस जो है वो ओविप्रस है, जैसे और बाद में कैमल डॉग ये सब क्या है आपके बच्चे देने वाले। एक्चुअली ऐसा है, बच्चे कौन देता है, जिसके आपके कान होते हैं वो बच्चे देने देते हैं, और जिसके कान नहीं होते बाहर निकले हुए वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के साथ अपना जो चैप्टर था एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।